final launch of Endeavor, expanding our knowledge, expanding our life. उतनी तेज गति से जब ये आते हैं तो ये पता है इन स्पेस एजेंसियों के कारण आसमान से अब कचरा बरस रहा है। पृथ्वी की समस्या ही नहीं है बल्कि अंतरिक्ष की समस्या भी अब बनती जा रही है। इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च करने के बाद भारत और भारत के वैज्ञानिकों के पर भारत के लोग या दुनिया गर्व कर रही है। जी हाँ, भारत ने जिस तरह से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है उस पर सभी भारतवासियों को नाज है, हमारे भारतीय साइंटिस्ट पर। दोस्तों, इस चंद्रयान 3 के लॉन्च होने से इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। हमारी इसरो दिन पर दिन प्रगति करती जा रही है। दुनिया में बहुत सारी स्पेस एजेंसियां हैं जो लगातार अंतरिक्ष में अपना वर्चस्व स्थापित करती जा रही हैं। इसमें एक इसरो भी है। लेकिन बात हमें आज इस वीडियो में सिर्फ इसरो की सफलता की ही नहीं करेंगे बल्कि दुनिया भर में जितनी भी स्पेस एजेंसियां हैं उन्होंने क्या प्रदान किया, उनसे हमें क्या फायदा हो रहा है। इसकी चर्चा तो हर कोई करता है लेकिन मैं आज आपको इन स्पेस एजेंसियों द्वारा फैलाए जा रहे एक नकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करूंगा। आज आसमान से पानी बरसते तो आपने देखा होगा लेकिन आपको पता है इन स्पेस एजेंसियों के कारण आसमान से अब कचरा बरस रहा है। आज हम इसी कचरे के बारे में विस्तार से बात करेंगे, इसके दुष्परिणाम और इसको कैसे कम किया जा सकता है इसके मुद्दे पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लेखराज और आप देख रहे हो लेखराज RKSO की YouTube चैनल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और आप न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना और ये वीडियो पूरा देखना। आज मनुष्य ने इतना वैज्ञानिक विकास कर लिया है कि न केवल धरती में बल्कि अंतरिक्ष में, जो अनंत अंतरिक्ष है, शून्य अंतरिक्ष है, साफ सुथरा अंतरिक्ष, उसमें भी उसने कचरा फैला दिया है। पृथ्वी पर होने वाले कचरे से तो आप सभी वाकिफ हैं कि पृथ्वी पर किस तरह से कचरा होता है और क्या क्या कचरा होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में कचरा किस तरह का होता है और अंतरिक्ष का कचरा क्या होता है, इसके क्या दुष्परिणाम है। आज की इस वीडियो इसी अंतरिक्ष के कचरे के ऊपर है। कचरा सिर्फ पृथ्वी की समस्या ही नहीं है बल्कि अंतरिक्ष की समस्या भी अब बनती जा रही है। नासा के आदेश को मानते हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS ने 2.9 टन कचरा फेंका है अंतरिक्ष में। अक्टूबर 1957 में सोवियत संघ रूस के द्वारा पहला मानव निर्मित सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसके बाद हजारों टेलीस्कोप, रॉकेट, स्पेस सैटेलाइट, स्पेस प्रोब जैसे विभिन्न यंत्र अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं। हमारे विकास के लिए, हमें नई नई टेक्नोलॉजी प्रदान करने के लिए, हम नई नई टेक्नोलॉजी तो प्रदान करते जा रहे हैं, इनसे होने वाले विकास और लाभ की ओर तो हम आकर्षित होते जा रहे हैं लेकिन इनसे होने वाले नुकसान को हम नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर उसका पक्ष भी होता है तो उसका विपक्ष भी होता है। ठीक इसी प्रकार से इस स्पेस प्रोग्राम का एक सकारात्मक पक्ष भी है और एक नकारात्मक पक्ष भी है। सकारात्मक पक्ष के बारे में ज्यादातर लोग तो जानते ही हैं। आज हम इस मोबाइल फोन का भी हम यूज कर रहे हैं तो ये भी एक स्पेस टेक्नोलॉजी के थ्रू ही यूज कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको इसके दूसरे पक्ष की ओर ध्यान आकर्षित करने वाला हूँ। नेचर एस्ट्रोनॉमी के जुलाई 2022 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 10 सालों में स्पेस से जो कचरा आ रहा है, अंतरिक्ष से जो कचरा आ रहा है, उससे जानवर और मनुष्य यानी कि इंसानों के आहार होने की संभावना बढ़ सकती है। स्टडी में आया है कि जकार्ता, लॉरेंस, न्यूयॉर्क, मैस्को, बीजिंग जैसे शहरों पर यह संभावना ज्यादा है। हालांकि अभी तक अंतरिक्ष से गिरने वाले मलबे से किसी भी प्रकार की जीव हानि, जानवर की हो या इंसानों की मौत की खबर सुनने में नहीं आई है।
लेकिन चोट लगने की खबर जरूर आई है और संपत्ति को नुकसान भी हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में हर मिनट अंतरिक्ष से कचरा बरस रहा है। आपने कई मीडिया रिपोर्टों में ये चीज देखा होगा। यह एक ऐसा खतरा है जिससे हम नज़रअंदाज पर नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, लेकिन अगर इसका ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया तो यह हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक 9000 मैट्रिक टन कचरा अंतरिक्ष में मौजूद है, जो कि एक स्पेस मलबा है। वहीं पर एयरलॉक के मुताबिक 4 अंतरिक्ष यात्री 2500 किलोग्राम कचरा पैदा करते हैं एक साल में। को यह बात बताना जरूरी है कि मानव निर्मित स्पेस अवशिष्ट की संख्या दिन पर दिन अंतरिक्ष में बढ़ती जा रही है और यह समस्या एक लंबे अरसे से चली आ रही है। फिर भी सार्वजनिक रूप पर इस पर चर्चा करने के लिए, इस पर डिबेट करने के लिए, इसके समाधान खोजने के लिए कोई तैयारी नहीं होता। 2 अप्रैल को 8.5 टन वजनी चीन का स्पेस स्टेशन तियांगबो 1 अपनी कक्षा से भटककर प्रशांत महासागर में गिर गया। तियांगबो 1 के प्रशांत महासागर में गिरने से किसी देश या भूभाग या किसी व्यक्ति पर या किसी शहर पर गिरने का जो खतरा बना हुआ था वो तो टल गया, लेकिन इसने स्पेस कचरे के मुद्दे को एक नया मोड़ दिया। विचार करिए कि 8.5 टन वजनी कचरा किसी शहर पर, किसी व्यक्ति पर या किसी बिल्डिंग पर अगर गिर जाता तो क्या होता। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अंतरिक्ष का कचरा, स्पेस जो वेस्ट है वो क्या है, अंतरिक्ष का कचरा क्या है, किसे हम अंतरिक्ष का कचरा कहते हैं। पृथ्वी पर होने वाले कचरे को सभी जानते हैं, ठीक है, पर अंतरिक्ष का कचरा क्या है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो मानव के द्वारा जो भी मानव निर्मित यंत्र है, चाहे वो उपग्रह हो, सैटेलाइट, उपग्रह जिसे सैटेलाइट भी कहते हैं, रॉकेट है या टेलीस्कोप वगैरह है, बैटरी हैं, इनको जो भेजा जाता है और जब ये वहाँ पर अपना राउंड पूरा करती हैं और ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में फैल जाती हैं और ये स्पेस का कचरे का, यानी स्पेस में कचरे का रूप ले लेती हैं। इन्हीं मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रहों के टुकड़ों को, रॉकेट के टुकड़ों को हम स्पेस का कचरा कहते हैं, जो कि हमेशा लगभग हर मिनट आसमान से बरसता रहता है। नासा ने अपने बयान में कहा है कि 5 लाख से ज़्यादा स्पेस जो कचरा है उसका आकार एक कंचे या एक छोटे मार्बल के आकार का है। अब आप कहोगे कि भाई छोटे आकार की हैं तो इससे खतरा क्या हो सकता है, तो पूरे में 5 लाख से छोटे आकारों के ऐसा नासा का अनुमान है, पर भी इससे बड़े आपने देखा ना, मैंने आपको बताया कि चाइना का कितना बड़ा जो स्पेस स्टेशन था, ठीक है, 8.5 टन का, तो सभी प्रकार के कचरे यहाँ उपलब्ध है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ छोटे कचरे उपलब्ध है, और उतनी तेज गति से जब ये आते हैं तो ये कितना घातक चोट पहुंचा सकते हैं, इनसे जान भी जा सकती है, एक छोटी सी बुलेट इंसान की जान ले लेती है। फिर ये तो हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष से नीचे धरती की ओर आते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। नासा ने कहा है कि ज़्यादातर जो स्पेस के टुकड़े हैं वो 0.4 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 1 सेंटीमीटर तक के हो सकते हैं। इसके आकार क्या क्या बताया है नासा ने, ये आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है, आप खुद भी देख सकते हो। दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं इस कचरे से नुकसान क्या है, इसके दुष्परिणाम क्या क्या हैं, इस कचरे से क्या क्या समस्या हो सकती है। दोस्तों, इस अंतरिक्ष के कचरे से सिर्फ हमारे उपग्रह या सैटेलाइट को नुकसान नहीं है, अगर ये स्पेस के बड़ा टुकड़ा हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर गया तो इससे भारी नुकसान हो सकता है, भारी विनाश हो सकता है। और ये टुकड़ा मैंने जैसे बताया कि अगर किसी रिहायशी इलाके में बड़े टुकड़े गिर गए तो जन और धन दोनों की हानि हो सकती है।
यह मनवा आणविक अभिक्रिया के द्वारा हमारे संचार व्यवस्था को तहस नहस कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह मनवा अगर किसी मानव निर्मित उपग्रह से टकरा गया या किसी सैटेलाइट से टकरा गया तो उसको वह डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको वह क्षतिग्रस्त कर सकता है, उसकी दिशा भी भटका सकता है। वर्तमान में जो कृत्रिम उपग्रह की संख्या या कचरे की आकलन बताया जा रहा है वो लगभग इनकी संख्या 7,500 है, जो मृत स्पेस वगैरह है उनकी संख्या। और टुकड़ों की संख्या तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि नासा ने लगभग 5,00,000 से ज्यादा बताया है। और ये कचरा 28,000 प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं या पृथ्वी पर गिर रहे हैं। इनकी गति इतनी ज्यादा तेज है कि किसी भी स्पेस क्राफ्ट को, किसी भी स्पेस प्रोग्राम को तहस नहस करने में ये सक्षम है। दोस्तों, ये तो है इसके खतरे जो हमारे अंतरिक्ष में हो सकते हैं, और जमीन पे जो हो सकते हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक बार अब विचार करिए, लाखों करोड़ों और अरबों रुपए खर्च करके हम एक स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं और अतः न जाने कितने हजारों वैज्ञानिकों की मेहनत उस पर लगी रहती है और उसको हम लॉन्च करते हैं और एक कचरा जो स्पेस का कचरा है अगर उस प्रोग्राम को ध्वस्त कर दें तो कितनी बड़ी घाटा नुकसान होगा हमको। इसीलिए इस मुद्दे पर हमें बात करना, चर्चा करना जरूरी है। अब हम आगे बात करते हैं इसको रोकने के उपाय के बारे में, इसको किस तरह से रोका जा सकता है, इसको इस कचरे को किस तरह से अंतरिक्ष से यानी कि पृथ्वी की कक्षा से हटाया जा सकता है, इसको नष्ट किया जा सकता है। इस मुद्दे पर हम अब आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस कचरे को निष्क्रिय करना होगा। निष्क्रिय करना यानी कि पैसिफिकेशन करना। एक अंतरिक्ष यान के पैसिफिकेशन का अर्थ है कि किसी मिशन के अथवा उपयोगिता के अंत में स्पेस क्राफ्ट में निर्मित किसी भी आंतरिक ऊर्जा स्रोतों को हटा देना। दोस्तों, सेकेंड हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है उसका डिजाइन हम परिवर्तित कर सकते हैं, कुछ इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि वह जब वायुमंडल में प्रवेश करे तो वह जल जाए, यानी कि पृथ्वी के आने से पहले वह जल के नष्ट हो जाए। कुछ इस तरह से ही हम उसे डिजाइन कर सकते हैं जब वह खराब होता है। तो थर्ड में हम डिओर्बिटिंग सिस्टम को अपना सकते हैं। इसके अंतर्गत हम ये कर सकते हैं कि किसी भी जो स्पेस क्राफ्ट हम लॉन्च करते हैं उसकी एक आयु यानी कि एक सीमा एक्सपायरी डेट तय कर दी जाए, 20 साल 25 साल उसको तय कर दिया जाए और उतने दिनों तक ही उसका हम वहाँ पे उसको रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद उसको वहाँ से हटाना कंपलसरी कर दिया जाए। फोर्थ हम ये कर सकते हैं कि जो स्पेस क्राफ्ट है उनका भी सर्विसिंग कर सकते हैं, समय पर उनकी सर्विसिंग कर सकते हैं, जैसे कि आम गाड़ियों का और अपने जो पृथ्वी पर चलने वाले वाहन और बाकी चीज़ों का सर्विसिंग करवाते रहते हैं। इससे ये होगा कि एक लंबे अवधि तक वह कार्य करते रहेंगे और उन पर जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है उनको ठीक किया जा सकता है। तो कम खर्च में भी इसको लंबे अवधि तक यूज में ला सकते हैं और जो मलबा है जो वेस्ट के रूप में वो बदल जाएगा खराब होने के बाद, उसको एक लंबे समय तक टाला जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ सारे के नेतृत्व में 2 अप्रैल को एक स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया, तो मतलब अंतरिक्ष में जो कचरा है उसको हटाने के लिए किया गया था। मतलब पांचवा हम ये कर सकते हैं कि कोई स्पेस प्रोग्राम हम बना सकते हैं, ऐसा स्पेस प्रोग्राम जिसका काम सिर्फ ये हो कि जो कचरा फैल रहा है उसको वह कलेक्ट करके उसको नष्ट करे, उसको साफ करे, यानी अंतरिक्ष को क्लीन स्पेस मूवमेंट हम चला सकते हैं। इससे भी हमारा जो खतरा बना हुआ है मलबा की बारिश होने की, स्पेस में जो कचरा अंतरिक्ष से कचरा गिरने की, इस समस्या से हम मुक्ति पा सकते हैं। दुनिया में पहली बार अंतरिक्ष से कचरा साफ करने की जिम्मेदारी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने उठाई है, जो क्लीन स्पेस नाम के स्विस स्टार्टअप की मदद से
ग्रीन स्पेस बंग मिशन शुरू करने जा रहा है। यह ऑर्बिट से कचरे को हटाने वाला पहला स्पेस मिशन होगा, जिसे 2025 तक लॉन्च करने की योजना पर काम चल रहा है। मई में इसे निम्न कक्षा में छोड़ दिया जाएगा, जहां पर यह जो मलबा है स्पेस का उसे रिकैप्चर करना शुरू कर देगा, और इसकी मदद से हम काफी हद तक बहुत सा मलबा जो स्पेस में फैला हुआ है उसे हम साफ कर सकते हैं। जी हाँ, तो इस तरह से हम कुछ इन प्रावधानों का उपयोग करके, कुछ इन तकनीकों का उपयोग करके हम स्पेस से कचरा हटा सकते हैं, और जिस तरह से स्पेस से कचरा बरस रहा है, ठीक है, उसको रोका जा सकता है और मानव को आने वाले खतरे से बचाया जा सकता है। दोस्तों, ये तो थी वीडियो हमारे स्पेस के कचरे के ऊपर। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आने वाली वीडियो हमारी और भी अच्छे टॉपिक पर होंगी, और पहले भी बहुत सारी वीडियो है, आप उसे नहीं देखे तो जरूर देखा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।